नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर पानीपत से, जहां पानीपत में चोरी लूट या हंगामा, हर किसी पर तीसरी आंख का पहरा है। पुलिस के लिए तीसरी आंख मददगार सिद्ध हो रही है, लेकिन उससे फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। संजय चौक पालीवाल के कोठी के पास एक युवक से सरेआम दो बाइक सवार युवक बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। युवक काफी दूर तक बदमाशों का पीछा भी करता है, लेकिन तब तक मोबाइल छीनने वाले दोनों युवक फरार हो चुके थे। अपने साथ हुई स्नैचिंग की घटना को लेकर युवक मॉडल टाउन पुलिस के पास जाता है। वहां से जवाब मिलता है कि सिटी थाने में मामला दर्ज कराइए। युवक सिटी थाना पहुंचता है और वहां पर जवाब मिलता है कि मोबाइल का बिल नहीं, कैसे तलाश करें। हालांकि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज भी युवक के पास थी, उसके बाद भी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। आखिरकार हताश युवक की ओर से ऑनलाइन शिकायत की गई। घटना पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों के चेहरे भी साफ तौर पर दिख रहे हैं, जिसे पुलिस आसानी से पकड़ सकती है। हैदराबादी के हॉस्पिटल के से आ रहा था और ऐसे टाइम देखने के लिए फोन निकाला था, और किसी ने दो लड़के आई बाइक पे, अच्छे खाते पीते अच्छे करके लग रहे थे, और उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और वो इस लाल बत्ती की तरफ भागे, और मैंने उन काफ़ी दूर तक उनका पीछा भी किया और पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया उनको। किस चीज़ पे थे वो? एक्टिवा थी जी, ब्लैक कलर की। अच्छा, ब्लैक कलर की एक्टिवा थी और हल्की हल्की दो लड़कों ने दाढ़ी रख रखी थी। कहाँ तक भागे? एक ने पीछे वाले कैपबोर्ड रखी थी, वो लाल बत्ती की तरफ भागे और मैं जीटी रोड पर काफ़ी दूर तक उनके पीछे भागा हूँ। लोकल हैं जी यहीं के, मैं पुलिस में गया था जी, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले कि आप वो ये नहीं है वो नहीं है, वहाँ जाओ। फिर मैंने ऑनलाइन वो कंप्लेंट करी है जी। मैं पहले मॉडल टाउन चौकी में गया था जी, वो बोले यहाँ हमारा यहाँ का लगता और आप सिटी थाने में जाओ। मैं सिटी थाने में गया, फिर उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाओ, सिटी थाने में जाओ। वहाँ पे बोले कि आपके पास बिल नहीं है, कैसे पिछाड़ेंगे उनको, क्या है वो है। फिर मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट कराई है जी, और कुछ हुआ नहीं मेरे से। गरीब आदमी हो जी, मेरा बस फ़ोन मिलवा दो जी। कितने? 15-20 हज़ार का फ़ोन था जी, 20 हज़ार का। जहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग हुई, वहाँ के लोगों का कहना है कि सरेआम यहाँ पर इसी प्रकार की वारदात पहले भी हो चुकी है। रात के वक्त तो और भी वारदात होने की आशंका होती है। पालीवाल वर्सी जो पालीवाल की कॉलोनी का है जो मेन गेट है जी, इस कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ इतनी गुंडागर्दी है, यहाँ लड़कियों के लिए कोई सेफ नहीं है। यहाँ हर 10 कदम के ऊपर कोई को लड़की या लड़का खड़ा होता है, जो छेड़खानी करते रहते हैं, समय की आते हैं, किसी का मोबाइल खोज कर ले जाते हैं, और कोई पुलिस इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। लोगों ने कईयों ने शिकायत भी करी है, पुलिस उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान रखती। और ये जो मोबाइल छीनने की घटना है तो रोज होती है? हाँ, ये तकरीबन हफ्ते में एक दो हो लेती है, हर हफ्ते को उनको एक दो हो जाती है, जिससे कई लोग एक्टिव हैं वो तो पुलिस को दरखास्त देते नहीं, अपने चुप हो जाते हैं। कई आदमी उन लोगों को नहीं पता होता छीन के भागते, ये बाहर से आते हैं नहीं है, इस एरिया के एरिए कटीक बस्ती के बता रहे हैं, कोई इस एरिए के जो समय पीते हैं या कुछ लोग लड़के हैं जो अपने जो रास्ते में मोबाइल सुनता है उसी कान से उठाया या हाथ से छीनने और अपने भाग के। अब सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े दो युवक आते हैं, मोबाइल छीनकर आसानी से फरार हो जाते हैं, और युवक थाने में चक्कर लगाता है, उसके बाद भी आखिर शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई? हरियाणा के झज्जर में पुलिस की वैन की जाली काटकर 3 कैदियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इनमें से एक कैदी को बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोबारा काबू किया, बाकी 2 कैदी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वैसे पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार सोनीपत से कोर्ट में पेशी के बाद कैदियों को लेकर वैन वापस दुलीना जेल जा रही थी। इसी दौरान वैन की जाली तोड़कर 3 कैदी फरार हो गए। कैदी वैन से भाग गए, उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है अभी? कल हमारी झज्जर पुलिस 3 दीपक, आकाश और अंकित 3 कैदियों को सोनीपत कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गई थी। वापसी में आते तो मैं उनमें से कैदियों ने उसकी जाली तोड़ के, चलती वैन में से जाली तोड़ के और उसमें से भागने की कोशिश की, जिसमें से 2 कैदी भागने में कामयाब हो गए, दीपक और आकाश। और अंकित जब भागने लगा तो उसके बारे में उन्हें मुलाजिम थे, उनको पता लग गया, उन्होंने उसको पकड़ लिया। और इन्होंने जाली तोड़ने के बाद वहाँ से जैसे ही गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे आहिस्ता हुई तो फट्टे के ऊपर से पांव रख के अंदर निकाल के और नीचे एक हुक बना दो, उस पर पांव रख के उससे जंप कर गई।
तो इसके बारे में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, और जो मुलाजिम थे, जिन जो मुलाजिमों की इसमें लापरवाही पाई गई है, उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर दिया और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। कितने कर्मचारी? इसमें 5 कर्मचारी थे। कोई इसमें इंक्वायरी भी खोली गई है सर? हाँ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी खोली जाएगी। आपको बता दें कि चकमा देकर कैदियों को भागता देख पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया। इसी प्रयास के दौरान कैदी अंकित को दोबारा पकड़ने में पुलिस सफल हो पाई, जबकि आकाश और दीपक मौके का लाभ उठाकर खेतों के रास्ते फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद हरकत में आए पुलिस महकमे ने जिले भर में नाकाबंदी कड़ी करते हुए कैदियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन कैदियों को नहीं पकड़ा जा सका है। 3 कैदी फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्परता के साथ कैदियों को पकड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। कैदी किस मामले में जेल में है, इसकी जानकारी देने से पुलिस परहेज कर रही है। हरियाणा प्रदेश में आने वाले दिनों में नहरी विभाग कर्मचारियों के विरोध के चलते जल संकट गहरा सकता है, क्योंकि पिछले 8 फरवरी से नहरी विभाग ने अकेले भिवानी जिले के 300 के लगभग ग्रुप डी के कर्मचारियों को नियमित भर्ती होने की एवज में हटा दिया है, जिसके चलते रेगुलर कर्मचारी भी हटाए गए कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ नहरी विभाग के जिला मुख्यालय पर 14 दिनों से धरने दिए हुए हैं। आज ही बताइए, किस मुद्दे को लेकर के हड़ताल कितने दिनों की? ये जी, मैं जो हड़ताल चल रही है, 8 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये 300 कर्मचारी बगैर नोटिस, बगैर कोई चिट्ठी, इनकी छुट्टी कर दी। ये धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है और एससी साहब ने कोई भी मतलब बातचीत के का न्योता भी नहीं दिया है, भगोड़ा हो रहे हैं। 8 तारीख से आज 22 तारीख हुई लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तो अब आगे का क्या आपका प्लान रहेगा? आज हमारी केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी फैसला लेगी, आगे रणनीति और क्या तय करेगी। कारण क्या है हटाए जाने के पीछे? हटाए कारण कई तौर पर ये रहे हैं, जो डी ग्रुप की जो भर्ती है 18,000 की, उसकी एवरेज में ये इनको हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई नहीं वैकेंट, कम से कम 400-500 वैकेंट पड़ी है, 170 कर्मचारी हटाए। तो ऐसे में रोजगार आप स्थायी किए जाने की मांग करते हैं? हम इनको वापस लिया जाए, इनका तनख्वाह का 8-8 महीने की तनख्वाह, इनका उसका तनख्वाह भुगतान किया जाए। नाम जी आप? सूरज मान, जिला प्रधान, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन। राजवीरेंद्र शर्मा, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जिला का सेक्रेटरी हूँ। हम 8 फरवरी से लगातार यहाँ इस छटनी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। यहाँ का जो एससी है वो लगातार अब्सेंट है दफ्तर से। ये हमारी जो मुख्य एजेंडा है, ये सरकार कह रही है हमने ग्रुप डी की 18,000 की भर्ती की है, और ये कह रहे हैं हमारे पास वैकेंट पोस्ट के खिलाफ भर्ती हो गई है, इसलिए इनकी छटनी की जा रही है। हमारा पक्ष ये है, यहाँ आज भी इस पूरे सर्कल में 250-300 पोस्ट वैकेंट पड़ी है, जबकि 18,000 ग्रुप डी की भर्ती हुई, उसमें से 8,000 के करीब लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, और कुछ लोग ज्वाइन करके अब विदाउट पे चले गए। हमारी पूरा नहर सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, कोई कर्मचारी नहीं है, पानी चल रहा है, सभी JEHDO टेलीग्राफ कर रहे हैं सरकार के पास कि व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन यहाँ का जो अधिकारी है प्रशासनिक, वो बदमाशी कर रहा है लगातार, दफ्तर में नहीं आ रहा, ना बात कोई बातचीत कर रहा। जब बात बिगड़ती है, पानी की व्यवस्था यदि शहर में बिगड़ती है, गांव में बिगड़ती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम ये कह रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा, सरकार होगी। हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो लड़के भर्ती हुए, अच्छी बात है ग्रुप डी की भर्ती की, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अनट्रेंड बच्चे हैं। हमारे बड़े बड़े पंप हाउसेज हैं जहाँ बहुत खतरा है, उन लड़कों ने मना कर दिया है कि हम हेल्पर लगे हैं, ऑपरेटर नहीं है, हम नहीं चलाएंगे बड़े बड़े पंप जब तक हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी। अब ये धक्काशाही से रिटायर कर्मचारियों को फलाने को लेके चला रहे हैं, और लेकिन इनकी छटड़ी कर दी गई, जबकि 8-8, 10-10 महीने के पे भी इनकी पेंडिंग पड़ी है। और ये जो पानी की स्थिति है जी, क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि पूरा शहर में पानी बंद होगा, इस प्रकार के भी कोई कार्रवाई करोगे आप? ना ना, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन नहर टूटने का खतरा है, हम ये बता देना चाहते हैं। सारी नहरों में जाल में डंगा फंसा हुआ है, निकालने वाले कर्मचारी ने ये सब हटा दिए गए हैं, बुरी व्यवस्था है, खतरा है, कोई भी नहीं। धन्यवाद। मुरादाबाद जनपद में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। युवती के ऊपर पेट्रोल डालकर उसके बड़े भाई ने चाचा के संग मिलकर आग के हवाले कर दिया। बड़ा भाई बहन की शादी से नाखुश था, इसलिए उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। घटना को अंजाम देकर वह घर से फरार हो गया। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
आग में झुलसी युवती को छोटे भाई ने ग्राम प्रधान की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवती की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तीन दिन से तेरे मारने के प्रोग्राम थे। अच्छा। बोला तू तेरा सेरा लचन नहीं दूंगा। अच्छा। तुझे मैंने तीन दिन से रोके फिर रही थी। तो किस किस ने आग लगाई है? तीन जने थे, चार, एक रुबैदा और एक अता और एक था उस्मान, खुद आसिम खुतरा और कमाल। कमाल ने सिर्फ से लौट के पिपिया 2 लीटर की पेट्रोल का राख दी, और उस्मान ने कोरिया भरी और कके में इनने भी कोरिया पीछे से हाथ पकड़े खुतरे आसिम। वही पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में एक युवती को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? बीती रात्रि एक युवती के द्वारा आरोपित किया गया है, उसके सगे भाई और उसके साथी ने उसकी शादी में उसके पिता जो द्वारा जमीन बेचकर उसकी शादी में पैसे खर्च किए गए थे, इस बात से नाराज होकर उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन जारी है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पीड़िता वर्तमान में इलाजरत हैं और चिकित्सकों द्वारा भी खतरे से बाहर बताई गई हैं। हरियाणा में अब लड़कियों के साथ साथ लड़के भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज इंसान पर विश्वास इस कदर खत्म होता जा रहा है कि इंसान कुकर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और यदि यह कुकर्म अध्यापक करे तो माता पिता किस पर भरोसा करे। माता पिता अपने बच्चों को अध्यापक के पास शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, और वही अध्यापक बच्चों से कुकर्म करे तो यह समाज के लिए एक बड़ा धब्बा है और समाज के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। जी हां, पानीपत की ईदगाह कॉलोनी का ही रहने वाला अध्यापक अपने पड़ोस के नाबालिग बच्चों से पिछले 6 महीने से कुकर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के साथ कुकर्म? अच्छा जी, कहाँ पढ़ाते थे जी? ये पढ़ाते बाल विकास में। अच्छा, कितने साल का बच्चा था जी? बच्चे की उम्र है पूरा साल। अच्छा, वो पता चले जिसको बीमारी बीमारी भी होगी जिसको बच्चे को? टेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब किस आरोप में पकड़ा जी इनको? ये 4, 5, 374, 540। अच्छा, नाम क्या है आरोपी का? आरोपी का नाम है अनिल कुमार सुनोक राजकुमार। किस चीज का अध्यापक था जी? ये इंग्लिश का टीचर है जी। सर, अपना घर उसके घर के बिल्कुल सामने है, और बच्चों को अपने बच्चों के बहाने इनको बुला लेता कि इनको खिलाना है। बच्चे हमारे उससे ट्यूशन ही पढ़ते थे, वैसे ही जाते थे, और इनके साथ वो कम से कम बच्चे कह रहे हैं 6 महीने से गलत काम कर रहा था। हमारे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, हम उसको ले गए मल्होत्रा अस्पताल में, भी ठीक नहीं हो रहा, क्या बात है। फिर उन्होंने जब चेकअप किया तो उन्होंने देखा भी इसमें कुछ तकलीफ लग रही है, भी ऐसे प्राइवेट कॉल जो भी है। फिर उन्होंने हमें बताया भी इनको प्यार से पूछो भी क्या बात है। फिर जब इनसे इसकी माँ ने प्यार से पूछा तो बच्चा रोने लग गया। फिर उसने ये कहा भी ये सामने जो अनिल है इसने हमारे साथ गलत हरकत की। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दोनों बच्चे जी? बड़े वाला बच्चा तो 8th में है जी, और छोटे वाला 5th में है। अच्छा जी। तो बस उसके इसी वजह से फिर प्यार से उसकी माँ ने जब पूछा तो रोने लग गया, उसका नाम लिया, और जब उसको ले गए तो जाते ही मार गया भी हाँ मैंने किया, दे रहा था भी तेरे नानू को बताऊंगा और तेरे को जान से मार देगा। इस करके बच्चे कह रहे हमने डरते बताया नहीं, जब उसके पेट में तकलीफ होगी, गर्मी होगी, कुछ एकदम बहुत परेशान रहने लग गया बड़े वाला। फिर डॉक्टर के थ्रू पता चलिया, वैसे तो पता नहीं चला। जबलपुर में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के धुआंधार क्षेत्र में किसी एक दुकान से उठी चिंगारी ने 27 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में भड़की आग ने कुछ ही देर में भीषण रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। आगजनी की घटना से धुआंधार के आसपास रहने वाले लोगों में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगजनी की घटना में करीब 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। भीषण आग लगी थी, कितनी गाड़ियां अपने यहां से गई थी? अपने यहां से एक गाड़ी गई रही, और उसमें उसमें वहाँ पर भेड़ाघाट में 22 दुकान जल गई हैं, और भेड़ाघाट की भी गाड़ी रही,
और एक करोड़ 36 लाख का अनुमान छाने में हुई है और फायर कर्मी एक गाड़ी गए भेड़ाघाट, एक गाड़ी गए हमारे यहाँ, दो गाड़ी में पूरा हो गया। ठीक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकुला हिंसा मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई कर रहे जज के छुट्टी पर चले जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि सभी आरोपियों की कोर्ट में हाजिरी लगाई गई। आपको बता दें कि हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। जी, आज हनीप्रीत केस लगा हुआ था, तो क्या रहा आज मामले में और क्या सुनवाई हुई आज? आज FIR नंबर 345 वाला केस जो लगा हुआ था FIR नंबर का, वो कंसीडरेशन ऑफ चार्ज पे था और उससे पहले हमने एक एप्लीकेशन दी हुई थी जो चलान के साथ पुलिस ने 2 CDs लगाई हुई हैं, उनकी कॉपी हमें सप्लाई की जाए, जिस पे माननीय अदालत ने आदेश फरमाया भी कॉपी जो है डिफेंस काउंसिल्स को दी जाए। तो पुलिस ने फिर एप्लीकेशन दी भी हमारे पास हार्ड कॉपी जिसकी एक ही सिंगल थी जो कि हमने माननीय अदालत में लगा रखी है, तो हमें परमिशन दी जाए भी कोर्ट की फाइल में से CD की कॉपी बना करके हम इनको प्रोवाइड कर सकें। तो माननीय अदालत ने ये फैसला मान लिया था और कोर्ट ने डायरेक्शन दी भी CGM साहब की कोर्ट में जा कर के आप एक्सपर्ट लेकर के वहाँ पे यहाँ कोर्ट फाइल से CD को लेकर के वहाँ CD अपनी वहाँ कॉपीज बनाएंगे और कॉपी बनाकर सील करके फिर कोर्ट में लाएंगे। तो CD वहाँ बन चुकी है CGM कोर्ट साहब की अदालत में और अब हमें वो CD मिलनी है, जिसमें कि पहली जो CD बताई गई थी भाई 25 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था उस पर उसकी रिकॉर्डिंग थी, वो जो CD है पुलिस वालों ने जो हमें बताया वहाँ वो करप्ट हो चुकी है और दूसरी जो CD है उसकी कॉपी हमें वहाँ पे मिलनी है, जो कि अब नेक्स्ट डे जो 5 तारीख लगी हुई है 5 मार्च को हमें CD कॉपीज मिलेंगी और कंसीडरेशन चार्ज पे बहस शुरू होगी। तो आज सभी मौजूद थे सर? आज सभी जो बेल पे थे मुलजिम वो आए थे, उनकी हाजिरी मार्क हुई है, प्रेजेंस मार्क हुई है और उसके अलावा जो कस्टडी में है उनके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस उनकी अटेंडेंस मार्क की गई। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के जहांगीराबाद में लोगों ने शहीदों की याद में सामूहिक उपवास रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के स्मारक में ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया गया है। शहर के सभी महामान्य लोग इसमें उपस्थित हुए हैं और उनकी शहादत के लिए हम उपवास कर रहे हैं आज और इसमें उनकी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कृतज्ञता की प्रार्थना की गई है और भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे। क्या नाम है आपका? अम्बरीश वर्मा। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं मुजफ्फरनगर के चरथावल की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा करते हुए उसके पोते को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने जमीनी विवाद के चलते अपनी ही दादी की हत्या कर दी थी और तभी से वो फरार चल रहा था, लेकिन आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल हथियार और एक तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल बिग बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।